भाई फिलहाल बज रहे हैं रात के 1, और ये देख रहे हो ये मैं कपड़े निकाल रहा हूँ, ये सारे जूते खोज रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे सामान ना इधर से उधर बिखरे पड़े हैं और मुझे जो चीज़ चाहिए ना वो कभी टाइम पे नहीं मिलता। अब ये निकाला है, अभी इसको पॉलिश करेंगे, देखो पॉलिश करना पड़ेगा क्योंकि सुबह टाइम नहीं रहेगा अपने पास। अभी जल्दी जल्दी ना पैकिंग निपटाते हैं। अभी कहाँ जा रहे हो वो तो थंबनेल देख के आप समझ गए होगे, नहीं समझोगे तो थोड़ी देर में आपको बता दे। बड़ी मशक्कत के बाद फाइनली अपनी ऑलमोस्ट पैकिंग तो डन है। एक दिन जाओ, 5 दिन जाओ या 10 दिन जाओ, एक बड़ा बैग तो हो ही जाता है यार। और विंटर्स के कपड़े ऐसे हैं ना कि आप कितना भी कर लो बड़ा बैग हो ही जाता है। ये निकाल लिया जी जो हम पहन के जाएंगे, ये जीन्स, ये स्वेट शर्ट और वो शूज़ ब्लू वाले, आज ब्लू का कॉम्बिनेशन। एंड ये क्योंकि कल हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आज वेदर भी अच्छा है, मतलब अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो अपना जो ड्राइव रहेगा ना वो भी कंफर्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि बाहर गाड़ी से उतर रहे हैं तो अपने को ठंडी लग रही है, ये बैग नहीं लेके जा रहे हैं। फिलहाल इसको चल देते हैं और नहाते हैं जल्दी जल्दी करके। अब अपनी लाइफस्टाइल ऐसी है ना कि सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, सही टाइम पे खाने का टाइम नहीं, तो उसकी वजह से ना मेरे ना हेयर फॉल स्टार्ट हो गए थे। ये मैं काफ़ी टाइम से रियलाइज़ कर रहा था कि मेरे बाल ना झड़ रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिला के आपके हेल्थ पे तो इफेक्ट करती ही हैं। अब हेल्थ पे इफेक्ट कर रही है तो डेफिनेटली आपके स्किन, आपके बाल, इवन आपके नेल्स पे भी इफेक्ट करती हैं। डरने की एक्चुअली कोई बात नहीं है, क्योंकि हेयर फॉल जो है ना वो एक्चुअली स्टेजेस में होते हैं, स्टेज 1 से लेके स्टेज 7, और अगर आप स्टेज 1 से 4 के बीच में हो तो आप इसको रोक सकते हो। अब रोक कैसे सकते हो? सही ट्रीटमेंट लेके। बट आप स्टेज 5 से स्टेज 7 में हो तब तो भैया आपके पास सिर्फ एक पेनफुल और महंगा हेयर ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन बचता है। इसीलिए जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो अपने जद्दोजहद में मुझे पता चला ट्राया के बारे में। ट्राया सबसे पहले आपके हेयर लॉस का रीजन समझते हैं, क्योंकि रीजन इंपॉर्टेंट है भाई, और वो होता है एक ऑनलाइन फ्री टेस्ट के थ्रू। तो वो टेस्ट आप देते हो, वहां पे आप बताते हो कि एग्जैक्टली आपका लाइफस्टाइल कैसा है। वहां से रीजन समझने के बाद डॉक्टर्स एक्चुअली आपको रेकमेंड करते हैं कि कैसे आप अपने हेयर लॉस को बचा सकते हो। और एग्जैक्टली सेम चीज करके मैंने भी अपना कस्टमाइज किट मंगवा लिया है, क्योंकि मुझे अपने हेयर लॉस को ना सही टाइम पे रोकना है। इनफैक्ट ट्राया ने 2 लाख लोगों को सिर्फ 5 महीनों में रिजल्ट दिए, वो भी 93% सक्सेस रेट के साथ। सो इसीलिए भाई आप भी चेक कर लो, आपको ये बेसिक से 3 स्टेप फॉलो करने हैं। नंबर 1, try.health पे जाके अपना ऑनलाइन फ्री हेयर टेस्ट लो। नंबर 2, अपना 1 मंथ का कस्टमाइज हेयर किट खरीदो। और नंबर 3, कस्टमाइज डाइट प्लान और हेयर कोच की मदद से 5 महीनों में अपना रिजल्ट देखो। और हाँ, अगर आप मेरा कूपन कोड unseen20 यूज करते हो तो आपको मिलता है 20% ऑफ। तो मैंने सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आज ही अपना हेयर टेस्ट करो और अपने लिए कस्टमाइज किट ऑर्डर करो। मम्मी कह रही है छोटे छोटे बच्चे आए थे थार के नीचे, पता नहीं क्या देख रहे थे, क्या ही देखेंगे नीचे, अंडर बॉडी ही देख रहे होंगे। बाकी अपनी गाड़ी तो मैंने कल अंदर लगा दी थी, अब इसको निकाल के ले चलते हैं, क्योंकि आज फॉर्चुनर से जाना है। मैं और अज्जू भाई दोनों जाएंगे, अभी उनका फ़ोन नहीं आया। इस वाले से चले क्या? हाँ, सब्जी भी खाते खाते चलेंगे, हरा फूरा। नो अभी खा रहे हैं राजमा, ये मैं खा रहा हूँ मसाले वाला, इसको भी खा रही है बॉयल्ड, इसको भी राजमा बहुत पसंद है ना, देख रहे ऐसे खाती है, इसकी इतना पैम्परिंग चाहिए इसको। मेरे को तो खुद से, तू मेरे को तो हाथ से खिलाती नहीं है इसको भी। अभी अपना खा गई है और ये मेरा देख रही है। हाँ जा पानी पी, जा जा जा, ए इतनी बदमाश है, चली गई अंदर। लिफ्ट ना तभी यूज़ होता है जब हमें सामान ले जाना पड़ता है, अदरवाइज तो इसका कोई काम नहीं है। फर्स्ट फ्लोर से नीचे कहाँ ही जाएंगे लिफ्ट से, अरे यार ग्राउंड दबा दो, चलो भैया सामान लेके चले नीचे। हरी गाड़ी का प्लेसमेंट करना भी ना एक बहुत टफ टास्क है यार, ये गाड़ी अंदर करो, वो गाड़ी बाहर करो। फॉर्चुनर लगाइए बाहर, इसको करूँगा अंदर, एकदम अंदर, एकदम अंदर, और इसका चाबी लेके जाऊंगा साथ में। फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से, खाना वाना खा लिया एकदम मस्त तरीके से। तो जी अपने घर से जहाँ हमें जाना है वो लगेगा ऑलमोस्ट 3.5 घंटे, मतलब 200 किलोमीटर के आसपास है। और शायद मैंने आपको बताया नहीं कि एग्जैक्टली हम जा कर रहे हैं, तो हम जा रहे हैं अपने एक भाई की शादी अटेंड करने। मनीष भाई की शादी है, हाफ इंजीनियर, बहुत लोग आप पहचानते हो, बहुत लोग नहीं पहचानते हो। तो भाई मनीष भाई की शादी है कल, आज है इंगेजमेंट, आज है 18 तारीख और 19 तारीख की हल्दी एंड शादी है। तो इसलिए सुबह सुबह हम इतना सारे कपड़े, अब जब शादियों में जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब 1, 2, 3, 4 जोड़ी जूते, अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग कपड़े, तो 2 दिन जाने के लिए भी मुझे इतना बड़ा बैग प्रिपेयर करना पड़ा। तो अभी यहां से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, माता रानी का नाम लेते हैं। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। चले अभी यहां से चले, सबसे पहले भाई को पिक करें, अज्जू भाई को पिक करें,
एक ही गाड़ी लेके जा रहे हैं, मतलब अपनी फॉर्च्यूनर लेके जा रहे हैं, उनकी गाड़ी में कुछ काम था तो शायद वो अभी आज रेंज रोवर वाले, मतलब लैंड रोवर जो भी कहते भैया, डिफेंडर वाले आए होंगे पिक करने गाड़ी को, तो अपन इस गाड़ी से जाएंगे। भैया एक बिस्लेरी का कैरेट डाल देना, एक कैरेट बिस्लेरी पानी। ट्रैवलिंग के दौरान घर से पानी उठाने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि एक तो अपने पास पानी सफिशिएंट रहता है, दूसरा 40 रुपए बचा लेते ना, ऐसे एक दिन करके ना मैं करोड़पति बनूंगा ना। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल को बैक कर लेंगे। हाँ, आज इस बार टाइम पे रेडी हो, 1 बजे निकलना था, फिलहाल बज रहा है 2:12। दोबारा तो नहीं हुए, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, घड़ी झूठ बोल रहा है। अरे नहीं, 14:12 हो रहा है भाई। तो फाइनली निकल गए हैं, यहाँ से दिखा रहा है ऑलमोस्ट 3.5 घंटे, मतलब पहुंचेंगे अपन 6 बजे के आसपास। सबसे पहले तो इसका पेट भरना है, क्योंकि इसमें इसका पेट खाली है। भैया फुल टैंक कर देना ऊपर तक, ठीक है, ऊपर तक कर देना। हाँ मीटर 0 है, मीटर तो हमेशा चेक करता हूँ मैं। अब इस जर्नी के साथ साथ ना अपने को ना एक ब्रांड के लिए ना रील भी शूट करना है, तो बेसिकली ना वो थीम कुछ ऐसा है ना कि वो रोड ट्रिप का ही थीम है, तो पेट दिख रहा है तो वो रोड ट्रिप का ही तो वो रोड ट्रिप। अरे तोतले हो गए भैया, तो वो रोड ट्रिप का ही सीन है, तो अपन ना उसके लिए भी ना धीरे धीरे करके शूट वूट कर रहे हैं, मतलब पेट्रोल पंप पे कुछ मजा आ रहा है, अमेजिंग मजा आ रहा है भाई। तो बाकी अभी यहाँ से गुड़गांव से निकलते निकलते भी अपने को थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा, वो सोना रोड वाला पूरा जैम आप देखो रोड के उस साइड भी, और अपने साइड भी ट्रैफिक पे रुकना ही पड़ रहा है। फोन आ गया भैया। ये देख रहे हो नशे देख रहे हो इनके नशे देख रहे। पुलिस वाला खड़ा, पुलिस वाला बुला रहा तुम्हें। अच्छा भाई साहब, पूरा रोड देखो, काम चल रहा है रोड पे। इसके वैसे ना ये डाइवर्जन है, और उसके वैसे ताबड़ तोड़ जाम है, मतलब फील ही नहीं हो रहा है कि हाईवे पे चल रहे हैं कि गुड़गांव में चल रहे हैं। रास्ते में जाम ही जाम मिल रहा है। तो अब देखो, अब यहाँ से निकलना, अब पहले बस वाले भैया निकलेंगे, हम निकलेंगे, रुक जा, हमें निकल जाते भैया, शरीफ आदमी थे, नहीं तो ऐसे में तो ट्रक वाले भैया घुसा देते हैं। ये रहा इस रूट का अपना फिक्स अड्डा, मतलब जब भी आते ना तो यहाँ पे एक बार तो दर्शन दे के ही जाते हैं, यहाँ पे हल्का फुल्का अपन खा लेंगे, कुछ फ्रेश हो जाएंगे। ये सही है यार, अब यहाँ गाड़ी लगा देते हैं भैया उल्टा करके, उसके बाद सीधे यहाँ से आगे, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जी फाइनली यहाँ पे अपन सबसे पहले तो वॉशरूम जाएंगे, क्योंकि भैया ऑलमोस्ट 90-100 किलोमीटर कवर कर लिया है, और 90-100 किलोमीटर के बाद ना एक बार भी हम रुके नहीं है, बीच में ट्रैफिक ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया यार। हल्की फुल्की तो भूख लग गई है, बट KFC खा के फिर कॉफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पिज्ज़ा भी खा सकते हैं, बट कॉस्टा पूछता हूँ। ये दवाई दिख रहा है, वही पीना है क्या? कॉफी की जगह सैनिटाइजर। चलो भैया आगे, खाना खाएं, मन नहीं भरा और पेट भी नहीं भरा यार, तो हमने कहा कॉफी और भोजन करके निकल चुके अपन आगे, ठीक है। अब 1 से 2 हो गए, और 2 से 3 हम हो जाएंगे, क्योंकि हनी भी पीछे ही है इसी रोड पे, जहाँ पे हम रुके थे ना, तो एग्जैक्टली उससे 5 किलोमीटर पहले था हनी, तो ऑलमोस्ट तीनों ना ऑलमोस्ट एक टाइम पे ही पहुंचेंगे। अब ये है, तीनों अलग अलग निकले थे और तीनों एक टाइम पे पहुंच रहे हैं, तो फिर से HR26 गैंग एक साथ शादी में धमाल मचाने। भाई मनीष शर्मा निकालना दे हमें, ये साले गलत इनवाइट कर दिया तुम लोगों को। हाँ ये देखो, ये इंस्टा के लिए फोटो और रील, हाँ रील चल रहा है।
हाईवे को छोड़ के बेसिकली NH-48 को छोड़ के अपन मुड़ गए अंदर। अब ये पतले रास्ते रहेंगे, वैसे तो अभी ज़्यादा बचा नहीं है, 20-25 किलोमीटर में इसी रास्ते पे अपना डेस्टिनेशन है और वहीं पे अपन दोनों जाके गाड़ी लगा देंगे। मजा आया, लेकिन यार दो गाड़ियां रहती कितना एक्साइटमेंट रहता है ना। मैं अपनी मिस कर रहा हूँ ना। हाँ मिस कर रहे ना। चलो कोई नहीं, अभी हम नेक्स्ट ट्रिप पे जब जा रहे हैं ना तब दो गाड़ियां और रहेंगी। हाँ फिर ठीक है, फिर मिस नहीं करेंगे ना। फिर मजा आएगा भैया, मतलब यही तो अगर लद्दाख यार ग्रुप में तो बहुत मजा आता है, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग बकर कैरेक्टर वाली बात सही थी। एक्चुअली जो लद्दाख की जो ट्रिप थी ना अमेजिंग थी, बहुत अमीर सारे एक चढ़ते चढ़ते फिल्म ही यार। मैंने इंस्टा पे वो लगाया था ना, वो जो हमने रील बनाया था वहाँ पे, बहुत मिस किया पुरानी एकदम से। सीरियसली यार, सीरियसली। बाकी ठीक है यार, फिर से कर लेंगे यार। लद्दाख कौन सा भागा जा रहा है और हम कौन सा भागे जा रहे हैं। लोकेशन क्या मस्त है यार, सामने देखो पहाड़, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ हिमाचल में हिमाचल बस एंटर ही करने वाले हैं। टेम्परेचर भी 13 डिग्री है तो रात में तो डेफिनेटली यहाँ पे ठंड होने वाली है। बाकी तो पूरा पूरा जंगल है यार, पूरा दोनों साइड, इस साइड भी पूरा जंगल है और इस साइड भी। अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि हम पहाड़ के बीच में चल रहे हैं, वैली में चल रहे हैं ना। स्पीति वैली पहुँच गए हम, राजस्थान का स्पीति वैली। भाई पहुंच गए अपने लोकेशन पे। क्या कह रहे हैं भैया खाने को लग गया स्टॉल, पहले तो कमर गाड़ी खड़ी करो खा ले। अरे तुम तो पहले जबरदस्ती वहां पे KFC खा लिया ना, ये वेट कर लेना चाहिए, एक घंटे में तो पहुंच ही गए भाई। दो दिन के लिए इतना बड़ा बैग यार, भाई तुम्हारा थोड़ा छोटा है क्या? सॉरी काट दूंगा, एडिटिंग में काट दूंगा ना। गाड़ी तो हमने इधर लगा दी है क्योंकि अंदर एक्चुअली बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई थी तो एक ही गाड़ी अंदर तक जा पाई। हमने कहा पीछे ही लगा देते यार, क्यों परेशान होना किसी को, अदरवाइज इधर आगे करके लगा सकते हैं। बाकी अभी चलते सीधे रूम में क्योंकि आज है भैया इंगेजमेंट वाला फंक्शन, आज सगाई है तो आज सगाई के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। और मिलिए सर, स्वागत है आपका दूल्हे के भाई से। दूल्हे के अपने भाई, मदर फ्रॉम सेम मदर, मदर फ्रॉम डिफरेंट मदर। हाँ जी, हाँ जी भाई, आप जाओ ना, मैं चले जाऊँ। ठीक है, बिल्कुल ओके। चलो भैया अभी सामने अपना रूम है, चारा वहीं पे 506 507 ऐसे करके कुछ है। तो यहाँ पे एक्चुअली स्वागत हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हमें बाकी सारे फूल दिख रहे हैं। और गलत तो नहीं आ रहा हूँ? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है भाई। ये वाला रूम है सब हम इसी में लौटेंगे हम लोग, सब इसी में। सही है सही है। इतना तेज है, ऊपर तक आ गया तुम्हें। ओ भाई यहाँ तो वॉशरूम से इधर भी आ सकता है ना पानी। बिल्कुल बहुत थोड़ा प्रेशर था, मतलब ये जो रूम है ना, ये हथियाने के लिए ना लोग आ चुके हैं। इनको इनको चाहिए क्या बताए, क्या शीशा? नहीं शीशा, इनको चाहिए शीशा। हम कह रहे हैं कि जब लिपस्टिक लगानी है खड़े हो, लगा दो मिनट। नहीं नहीं नहीं, अरे काम करो, सुनो मेरे पास, सुनो सुनो, निगी के कैंप में, सुनो नहीं, निगी के कैंप में ऐसा तैयार, निगी के कैंप में ऐसे तैयार होते थे। सही में ऐसे ऐसे। अरे फ्रंट कैमरा, अरे 16 मेगापिक्सल का और ग्रुप दिखोगे, 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो है उसका थोड़ी ना है। हाँ उसका तो दिखेगा तो शक्ल ही, वो तू हमारी क्या नहीं कर रही भाई, और तेरी बीवी बोल रही है। भाई मैं तो रेडी हो गया, मेरे को कुछ नहीं करना था, बस ये पहनना था और मैं रेडी, बस फास्ट, सबसे फास्ट मैं रेडी हूँ। बहुत बहुत डिस्टर्बेंस है यार, बहुत डिस्टर्बेंस है, व्लॉगर्स आ गए ना, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। जावेद हबीब के बाद अज्जू हबीब आए, पार्ट टाइम बिजनेस हेयर ड्रेसर। ये देखो लाइन लगा के लोग ना, मेरा भी कर देना, मेरा भी कर देना। तो फाइनली अपन सारे लोग रेडी हो गए, ये अपना आउटपुट। हाँ मतलब अज्जू भी रेडी हो गया लेकिन वो दिखाता नहीं है, हाँ दिखाता नहीं है, अंदर मन से रेडी है, मन से। बाकी इधर बाय बाय
बाय बाय बाय बाय और इधर टट्टी टट्टी को भाई से कंपेयर नहीं करेगा तो मतलब सब लोग पहुंच चुके हैं वहां पे। अच्छा यही पे डांस हो रहा है। भाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो मनीष भाई, कंग्रेचुलेशंस। अरे पूरी वाली, पूरी वाली, ऐसे रहे। हाँ अभी पीछे से लग रहा है ना कि सर के ऊपर से पटाखे निकल रहे हैं। मस्त वाले एकदम चटक बनाना भैया, चटक। हाँ हाँ गोलगप्पे एंड चाट। वहां से ये तो यहाँ से पाव उठाओ, वहां से भाजी। भाई हाथ धर, विकास भाई दिखा ना। देखो तो गरम है क्या? गरम है, देखो ना, देखो ना, देखो ना गरम है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं कंटेंट के चक्कर में हमारी ऐसी करवाओगे क्या? कंटेंट भाई को पकड़वा तो तय पाए।